एक गीत और लेकर के चले हूँ अनुरागी भैया, आपको पसंद आएगा गीत। धुन कह रही है क्या? कि हम तुमको निगाहों में हो हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे कि हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे और तुम चाहे बचो जितना कि तुम चाहे बचो जितना हम तुमको चुरा लेंगे हो। ये धुन है, ये धुन है। गीत सुनेगा क्या? क्योंकि यहाँ सुनने वाले लोग बैठे हैं। और क्या? अब सुनेगा कहानी सुनेगा कि राजा परीक्षित को डसने के लिए तक्षक नाग चल पड़ा। चल पड़ा बेटा, चल पड़ा। रास्ते में उन्हें ब्राह्मण देवता मिल गए। ब्राह्मण देवता ने कहा तक्षक से कि आखिर आप कहाँ जा रहे हो? तक्षक ने कहा कि मैं राजा परीक्षित को डसने के लिए जा रहा हूँ। पिताजी, पिताजी कहा मैं राजा परीक्षित को डसने के लिए जा रहा हूँ। तक्षक कहने लगा कि मेरे बारे में तो आपने पूछ लिया, आप नहीं बता रहे हो कि आप कहाँ जा रहे हो। ब्राह्मण देवता कहने लगे कि आप राजा परीक्षित को डसने के लिए जा रहे हो तो मैं राजा परीक्षित को बचाने के लिए जा रहा हूँ। बस यही वार्तालाप शुरू हो गई तक्षक और ब्राह्मण देवता में। ब्राह्मण देवता कहने लगे उस तक्षक से कि ए तक्षक कि तुम विष जो पिलाओगे जो पिलाओगे हम अमृत पिला देंगे भैया। तुम विष जो पिलाओगे हम अमृत पिला देंगे, तुम मोती अगर दोगे हम फौरन जिला देंगे हो। बहुत धन्यवाद है। ब्राह्मण देवता कहने लगे तुम राजा परीक्षित को डसने के लिए जा रहे हो, तुम विष जो पिलाओगे हम अमृत पिला देंगे और तुम मौत अगर दोगे तो हम फौरन जिला देंगे। कि तुम मौत अगर दोगे हम फौरन जिला देंगे कहने लगे कि सुनो आखिर कैसे कैसे भैया? कहा कैसे? क्योंकि मंत्र का मुझ में बल है।
यही मेरा संबल है, शक्ति ये हमारी, शक्ति ये हमारी, ये बल है, प्रबल है, संबल है। इन शब्दों को ध्यान दीजिएगा। और क्या, और कहा यही नहीं, संग में विद्या धन है, धन क्योंकि क्योंकि शक्ति ये तन में है, शक्ति ये तन में है, और धारणा मन में है, और कामना धन में है। कहाँ ये तक्षक, तुम सपना सजाओगे, क्योंकि कहा मंत्र का मुझ में बल है, अपने मंत्र बल से मैं राजा परीक्षित को जिंदा कर दूंगा। तब ये बात सुनकर के भड़क गया कौन, वही तक्षक। तक्षक कहने लगा, ए ब्राह्मण देवता सुनो मेरी बात, तुम सपना सजाओगे, तुम सपना सजाओगे, हम मिट्टी में मिला देंगे, कि तुम सपना सजाओगे, हम मिट्टी में मिला देंगे। फिर ब्राह्मण देवता कहने लगे कि ना, तुम मोती अगर दोगे, तुम मोती अगर दोगे, हम फौरन जिला देंगे, भैया यही मन में चाहत है, और दर्द से वो आहत है, और मिले उसको राहत है, मिले उसको राहत है, जाके मैं जिलाऊं, कहा मैं जिंदा कर दूंगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, और कहा अगर विश्वास ना हो तो, अगर हो मन में इच्छा करो शक्ति दिखाऊं, कहा अभी ले लो परीक्षा, अगर लेनी है तो। अब देखिएगा हुआ क्या, कहा क्या, कामना हो अगर, आराम से बेटा, क्या बात है, क्या बात है, अजय भैया, हम अपने मंत्र बल का, ब्राह्मण देवता कहने लगे कि हम अपने मंत्र बल का एहसास दिला देंगे, हम अपने मंत्र बल का एहसास दिला देंगे, तुम मोती अगर दोगे, हम फौरन जिला देंगे, हो हम फौरन जिला देंगे, हो हो,
पंडित जी कहने लगे कि बात ये सुन लो तक्षक, ए तक्षक सुनो, ए तक्षक कि बात ये सुन लो तक्षक, अपनों के भीषण भक्षक, अपनों में उसका रक्षक, कि बनूं मैं उसका रक्षक, वादा ये हमारा, वादा ये हमारा। ये अब देखिएगा हुआ क्या। तक्षक नाग, क्योंकि अब परीक्षा की घड़ी आ गई, तक्षक नाग ने किया क्या, क्या किया, क्या एक पीपल के वृक्ष में अपना फन ऐसे जैसे मारा, वो पीपल जल गया और क्या सूख गया, और जब सूख गया तो कैसी युक्ति निकाली, आए फिर से हरियाली, अखिल उठे डाली डाली, अपने मंत्र बल से उस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दिया ब्राह्मण देवता ने। क्या बात है, कि कैसी युक्ति निकाली, आए फिर से हरियाली, अखिल उठे डाली डाली, खिल उठे डाली डाली, इरादा हमारा, इरादा हमारा। ये और जैसे ये फन मारा, अजय भैया क्योंकि कि वृक्ष वो गया है जल, ये और जब जल गया वृक्ष तो हो गया। जब हरा भरा हो गया तो ब्राह्मण देवता ने कहा, तरु तुमने चलाया है, ओ अनुरागी भैया, कि तरु तुमने चलाया है, हम फिर से खिला देंगे, तरु तुमने चलाया है, हम फिर से खिला देंगे, लेकिन कि तुम मोती अगर दोगे, तुम मोती अगर दोगे, हम फौरन जिला देंगे, हो तुम मोती अगर दोगे, हम फौरन जिला देंगे, हो तुम मोती अगर दोगे, हम फौरन जिला देंगे, हो ये कि तुम मोती अगर दोगे, हम फौरन जिला देंगे, हो बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थोड़ा सा बेस कम कर दे, क्योंकि कार्यक्रम गाते गाते कहां तक गाएगा कलाकार। लेकिन सुने सुने गीत आया है, कौन सा कि हम तुमको निगाहों में, हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, हम आपकी तरह प्यार से नहीं गा सकते, मेरी वो औकात ही नहीं है, हो हम तुमको निगाहों से इस तरह छुपा लेंगे, ओ तुम चाहे जो जितना हम तुमको चुरा लेंगे, हो तेरी आस की में जाना दुनिया भुला देंगे, तुम चाहे बचो जितना
हम तुमको चुरा लेंगे। कि आज साधना जी विषमताएं लेकर आई हैं। पहला गीत भी विषमता से भरा और अब की बार तो जहर और अमृत आ गया। पंक्तियां बढ़िया आई आपकी तरफ से कहा गया। कि तुम विष जो पिलाओगे हम अमृत पिला देंगे, हो तुम मौत अगर दोगे तो हम फौरन जिला देंगे। हो ये बातें बहुत आ जाती लेकिन जवाब जहां से है लाने का वहीं से प्रयास है। सुने सुने, सुने। सुने हाँ सुने। अब जब ये संवाद चल रहा था धन देकर विदा कर दिया, लेकिन वो धन के लालची नहीं थे। उसका कारण था कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भी कुछ सोच रहे थे। दोनों का संवाद चल रहा था कि तुम मारोगे हम जिलाएंगे, तुम मारोगे हम जिलाएंगे। ये बातें सुनकर क्योंकि वो सृष्टिकर्ता है उनके दिमाग में एक बात चल रही है, वो जो सोच रहे हैं वो सुने। कि प्रतिकूल परिस्थिति को प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल दशा देंगे। ऐसे आओ प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल दशा देंगे, होनी में अनहोनी के अंकुर को नशा देंगे। हो क्योंकि जो विधि का विधान लिखा हुआ है उसको अगर कोई बदलने का प्रयास करेगा तो उस अनहोनी को बाहर कर देंगे। समझे प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल दशा देंगे, होनी में अनहोनी के अंकुर को नशा देंगे। धनवंतरी है और वो तक्षक है। अब देखिए चिंता कर चिंता हरण क्या बात है। कहना चाहूंगा लगता नियम में ग्रहण जो मैंने
नियम बनाया है उसके विपरीत कार्य होने जा रहा है। इसलिए लगता नियम में ग्रहण जन्मा तो होगा मरण, चिंतित है अंतःकरण सब मौन है, सब मौन है। अरे जिसका जीवन है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, अगर ये अमृत पिला देंगे तो मेरा विधान बदल जाएगा। और क्या, और उधर जो परिचित को श्राप मिला है वो श्राप भी तो फलदायी होना है। और क्या, इसलिए कह रहा हूँ सुने सुने। साहस है तू साहस, साहस है तू साहस, नई इसको दिशा देंगे। साहस है तू साहस, नई इसको दिशा देंगे। होनी में अनहोनी के अंकुर को नशा देंगे। चलकर तक्षक ने उनको डसा भी है और वो परम धाम को प्राप्त भी हुए हैं। इसलिए जब धन्वंतर की नहीं चले तो बातें खत्म। जय क्या बात। अब एक गीत मैं चाहता हूं, जब साहित्यिक गीत